स्कूल संगरूर दे विच इत्थे आ के अज मिड डे मील किस तरह सरकार वालों चलाई जा रही है, सरकार वालों जिहड़ा राशन दिता जा रहा है, जिस तरह के जिहड़े बच्चों नूं सहूलतां दित्तियां जा रही है, जिस करके बच्चे स्कूल दे विच आण, एक न्यूट्रिशनल डाइट लैंड प्लस अटेंडेंस जिहड़ी हैगी वधदी हैगी, उहदे तहत अज मैं इत्थे आया सीगा ते बच्चों नाल मैं खाणा भी खाया ते मैं नोट किया कि क्वालिटी चैक की, स्टॉक की क्वांटिटी चैक की, किस तरह बनता हैगा, किचन का मुआयना किया गया, प्रिपरेशन का मुआयना किया गया, तो बच्चों नाल भी इंटरैक्शन किया गया कि किस तरह का उन्होंने खाना मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है, क्वालिटी किस तरह की हैगी, तो जेकर कोई कमी पेशी हैगी कुछ नहीं बच्चों वालों, तो मैं भी आप जिते लंच किया है तो प्रिपरेशन बहुत चंगी सी, क्वालिटी भी खाने की काफ़ी वधिया सीगा। मैं प्रिंसीपल मैडम का जेड़े अपने इतने मिड डे मील हेल्पर का मिड डे मील इंचार्ज का इन्होंने चंगा काम किया है, ये काफ़ी चंगी गल हैगी, तो पंजाब सरकार वालों जिहड़े भी इस तरह के उपराले किए जा रहे हैं उन्होंने रेगुलरली चेकिंग असं कर रहे हैं। सर लग रहे बिल्कुल जी बिल्कुल, जो सारे सारे एक ही लड़ी के बैठ के खाना खा रहे हैं तो जो आपस बैठते हैं तो गल् भी करते हैं, किस तरह का फीडबैक मैकेनिज्म होंदा है, वो कहते हैं यू कैन नॉट बी वॉट कैन नॉट सी, एंड जो जी चीज़ देखी नहीं आप मन भी नहीं सकते, तो इस तरह जो कोई ऑफिसर रैंक भी आने तो इन्हों बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है कि असं भी इस तरह का बनीए, तो प्लस आपस जो गल कर रहे हैं एक बॉन्डिंग सोशल हारमोनी जी होंगी है, तो सब सारे नाल बैठे खाना खाते हैं तो वो भी डेफिनेटली बढ़ती है। अज टी साहब ने अचनचेत स्कूल के मिड डे मील की चैकिंग की, सानू बड़ा ही अच्छा लग्या क्योंकि जो कोई ऑफिसर आता कोई बाहरों आता तो उन्हें ही साड़िया कमियां पता लग सकदियां, असी तो रोज़ाना उस चीज़ को देखते हैं, शायद साढ़े को चीज़ कोई लुकी रह सकती है पर बारला बंदा आके जड़ा है उसनों वधिया तरीके भोग सकता, तो जो डी साहब आए उन्होंने बहुत वधिया तरीके दे नाल बच्चों जड़ा राबता किया, बैठ के बच्चों के नाल खाना खाधा उन्होंने, और मिड डे मील की गुणवत्ता चैक की, मिड डे मील का स्टॉक चैक किया, और सारा कुछ जड़ा सी वो ठीक पाया गया और वो बहुत खुश होके गए। उन्होंने कहा कि आप बच्चों वास्ते एक जड़े अपने लेडी ऑफिसर्स ने, क्योंकि एक गर्ल स्कूल है तो लेडी ऑफिसर्स जड़े ने अपने जिले के, उन्होंने इतने आप एक वर्क सैमीनार कराने कि बच्चे आई एस पी सी एस वाल ज़्यादा जाण, है ना, क्योंकि उन्होंने जिन्ने बच्चे मिले, कोई कह रहा मैं सी ए बनूंगा जी, कोई कह रहा जी मैं टीचर बनना है, तो उन्होंने ए लगे कि इस पासे वाल आई एस पी सी एस वाल बच्चों का झुका थोड़ा घट है, तो उन्होंने उधर मोटीवेट किया जाए कि बेटे तुम ये लाइन भी चुन सकते हो जो तुम मेहनती हो। हाँ जी बहुत ज़्यादा मोटीवेट होंगे ने जी बच्चे, हूँ एक डीसी जड़े ने वह पूरे जिले का जिले की कमान उन्होंने हाथ के, सारे डिपार्टमेंट उन्होंने जड़े है वह नीचे काम करते हैं, असी भी उन्होंने नीचे काम करते हैं, तो एक जड़ा मुखी जिले का आके एक छोटे छोटे नन्ने मुन्ने बच्चे उन्होंने खाना खाण और उन्होंने पूछण उन्होंने गलबात कर, बच्चों की मोटीवेशन इस तो वीडी कोई होर हो नहीं सकती। वह कह रहे थे भी थोनू खाना कि मिलता है, इसके जी बहुत वधिया मिलता है, और केंद्र भी है ना थोनू वीरवार को की मिलता, इसके जी कड़ी चावल, केंद्र भी इसके जी कल छुट्टी हैगी, और केंद्र फिर की होया मेरी बेटी भी थोड़े वर्गी हैगी तुसी मेरे घर आ जाना कड़ी चावल खाण, उन्होंने साढ़े बिच बैठ के अज रोटी खाधी तो सानू बहुत वधिया लग्या। उन्होंने साढ़े तो पूछा भी थोड़ा नाम की है, तो उन्होंने पूछा भी तुसी बड़े होके की पढ़ना चाहते हो, सानू कहा भी डॉक्टर, तो वह कहते भी तुसी डीसी नहीं बनना चाहते, भी साढ़े ग्रुप विच पांच कुड़ियां हैगियां ने, तो उन्होंने उन्होंने पढ़ाई करके भी तुसी भी उन्होंने जिहा बनना गा। अच्छी नहीं लगे तो डीसी ने तुहाडे नाल बैठ के खाना खाधा तो बहुत वधिया लग्या।